नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीपो डकैती कांड में शामिल 5 अपराधियों को लूट के रुपए और हथियार के साथ एसआईटी ने किया गिरफ्तार, डीआईजी ने दी जानकारी। भागलपुर हजरिया मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने 3 को कुचला, 2 की मौत, 1 घायल। नौगछिया 0 माइल में चल रहा ट्रक एसोसिएशन का धरना, प्रशासन ने कराया जबरन समाप्त, आक्रोशित ट्रक मालिकों ने उग्र आंदोलन की कही बात। भागलपुर निगम प्रशासन की लापरवाही फिर आई सामने, पाइप लीकेज के कारण सड़कों पर बह रहा पानी। और मानव श्रृंखला को लेकर राजद ने की बैठक, पूर्व सांसद ने कृषि कानून पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। नौगछिया पुलिस को झंडापुर डकैती के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। महज 72 घंटे के भीतर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के द्वारा एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने घटना में शामिल सभी 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी आज भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। डीआईजी ने बताया कि घटना में शामिल औलियाबाद निवासी सुपर कुमार, नंद कुमार, आदित्य कुमार, रविंद्र कुमार और मिल्टन कुमार को पुलिस ने हथियार और लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें 16 जनवरी की देर रात औलियाबाद निवासी विनोद जैन के घर पर डकैतों ने हमला कर 20 लाख रुपए नकद और लाखों रुपया का आभूषण हथियार के बल पर लूट लिया था, जिसके बाद नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नौगछिया एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर मामले का उद्भेदन किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 15 लाख रुपए नकद, भारी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात और अपराध में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया। नौगछिया में विगत 16-17 की रात में डकैती की एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। घटना होने की जानकारी होने के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं उनकी पूरी टीम जो है तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर और वहां पे सारी बातों की जानकारी लिया इन्होंने, और उसके बाद फिर हम लोगों के पास जो भी साइंटिफिक मेथड्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, उसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया। विस्तार में पूछताछ करने के बाद जो भी जानकारी आई उसका सत्यापन किया गया, और सत्यापन के दौरान हम लोगों ने कुछ घटना में शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की और उनके पास से लगभग डकैती किए गए कांड को 48 घंटे के अंदर सारी बरामदगी, सारे लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का नतीजा फिर एक परिवार को भुगतना पड़ा। दरअसल भागलपुर दुमका मुख्य सड़क मार्ग पर कई ऑटो चालक ऑटो को खड़ी कर लंबे समय तक सवारी का इंतजार करते हैं, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है और हजारों की संख्या में दिन रात ट्रक से लेकर छोटे बड़े वाहनों का परिचालन होने के कारण कई बार दुर्घटना हो जाती है। जहां स्थानीय निवासी बीबी अंगूरी अपने 2 वर्षीय पुत्र दानिश और 19 वर्षीय पुत्री बीबी नूरजहान के साथ बाइक से बौसी स्थित कैरी गांव जा रही थी। इसी क्रम में बौसी बजरंगबली मंदिर के पास खड़े ऑटो के शीशे के रिफ्लेक्ट होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर गैस सिलेंडर से भरी ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे बाइक पर बैठे 2 लोगों की मौत और 1 घायल हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही बौसी थाना प्रभारी राजकिशोर सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए। साथ ही इस घटना से गुस्साए लोगों ने दुमका भागलपुर मुख्य सड़क को जाम भी कर दिया। नौगछिया 0 माइल में 4 दिनों से चल रहे ट्रक ऑनर एसोसिएशन के चक्का जाम को बीते मंगलवार प्रशासन ने बलपूर्वक खत्म करवाया। इसी को लेकर नौगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दीप नारायण सिंह को जाम खुलवाने का निर्देश दिया, जिसे लेकर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि हमारी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगा, जिसके बाद एसडीओ के आदेश पर भागलपुर से फोर्स मंगवाया गया। वहीं भागलपुर सिटी एएसपी पूरन झा सर्जन मेजर के साथ तेतरी 0 माइल पहुंचे और देखते ही देखते 0 माइल पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। बता दें सभी पदाधिकारियों ने ट्रक एसोसिएशन भागलपुर के जिलाध्यक्ष दीप नारायण सिंह और महामंत्री लाल बाबू सिंह के साथ वार्ता कर सड़क को खाली करवाने को कहा। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों द्वारा पदाधिकारियों की बात नहीं माने जाने पर पुलिस बल ने लाउडस्पीकर से चालकों को अपनी अपनी ट्रक को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
वहीं सड़क को खाली करवाने और ट्रक को निकलवाने के दौरान जिलाध्यक्ष और महामंत्री ट्रक के सामने आ गए और ट्रक को रोकने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद एसडीपीओ ने दोनों को हिरासत में ले लिया। मामले को लेकर एसडीओ ने कहा कि मंगलवार को बैठक के बाद चक्का जाम खत्म करने की बात कही गई थी, लेकिन समझाने बुझाने के बाद भी लोग जाम तोड़ने को तैयार नहीं हुए, इसलिए जाम पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्वक खुलवाया गया। वहीं एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि बहुत दिनों से ट्रक चालक और खलासी जाम में फंसे हुए थे और जब ये लोग नहीं माने तो मजबूरन उन्हें आकर सख्ती बरतनी पड़ी। जी, ट्रक एसोसिएशन के द्वारा उनकी मांगें रखी गई थी, उन मांगों पे सरकार विचार करेगी। अभी ये जाम जो इन लोगों ने चार दिनों से लगाया था उसको आज क्लियर किया जा रहा है। कैसे क्लियर किया, किस आश्वासन, किस क्या वार्ता हुई सर, किस बात के? उन लोगों ने जो अपना विज्ञप्ति दी थी वो डीएम सर ने एक्सेप्ट की है। उस विज्ञप्ति के बाद ही हम लोगों ने इनसे बात करी और हम लोगों ने बिना बल प्रयोग किए जाम क्लियर करवाया है। भागलपुर शहर की एक बड़ी आबादी पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रही है और स्वच्छ जल पूर्ति का वर्षों से इंतजार कर रही है, लेकिन उनके घरों में आज तक साफ पानी नहीं पहुंच सका। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण विभिन्न वार्डों में पेयजल बर्बाद हो रहा है। कहीं पानी का इंतजार तो कहीं पानी की बेवजह बर्बादी, यही है स्मार्ट सिटी का हाल। दरअसल शहर में जगह जगह पाइप लीकेज की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। बता दें वार्ड नंबर 26 में पिछले कई माह से पाइप फटे होने के कारण पानी सड़क पर बह रहा है, लेकिन टेंडर हो जाने के बाद भी समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। वहीं वार्ड नंबर 26 के पार्षद पति संजय ने कहा कि संवेदक नाला मरम्मत का पेमेंट लेने के बाद भी काम नहीं कर रहा, जिसके कारण वार्ड की जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त को लिखित आवेदन देने के बावजूद भी वार्ड की समस्या जस की तस है। समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है वार्ड में, हर तरह की समस्या है। एक तो बोला जाए हम लोग के वार्ड में नो कूड़ा ढोने के लिए ऑटो टिपर ढंग का है, नो ही ठेला है। कई बार मैंने 6 महीना पहले से देखिए स्थिति ऐसा हो गया है कि ऑटो टिपर पूरा ही खत्म हो गया है। कई बार मैंने निगम प्रशासन को लिखित और आपका मौखिक भी जाकर के मिल करके इसके बारे में शिकायत किए। यहाँ नगर निगम में कोई सुनने वाला नहीं है, न देखने वाला। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्देशित आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह और 24 से 30 जनवरी तक किसान सप्ताह मनाने के निर्णय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने की। वहीं युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल और नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने मानव श्रृंखला और एनएच की समस्या को लेकर भी अपनी बात रखी। लेकिन सारी वस्तु स्थिति को जनता तो देख रही है ना कि राष्ट्रीय जनता दल के समय में जो गरीब गुरबों की सरकार थी, अगर तमाम गरीब गुरबे दलित अकलियत पिछड़ा समाज को, दलित समाज को अगर जगाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया, तो उसे अगर आप कुशासन की सरकार कहते हैं, सरेआम बंदूक लेकर दौड़ने की बात आप बताते हैं, तो निश्चित रूप से आज ये कौन सी सरकार है ये तो बताइए आप। जो सरेआम, चाहे आप जिला की बात करें या पटना मुख्यालय की बात करें, जो इस तरह की सरेआम घटनाएं हो रही है, इस तरह की घटना को आप क्या कहने का काम करिएगा कि सरकार किसी भी बिंदु पर कामयाब है क्या? हर बिंदु पर नाकामयाब है। अभी कैबिनेट ने फैसला कर दिया 14 चक्के के बारे में है? और 14 चक्के का परमिट कह दिया आपने, उसका प्रोडक्शन कह आपने होने दिया, ये सोचने विषय है। और सरकार हर कदम पर, केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, बिल्कुल विफल, बिल्कुल विफल। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक।
जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के करेला गांव निवासी समुंदर यादव के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। समुंदर की पत्नी सीको देवी ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मिली जानकारी के मुताबिक सीको देवी को इंदिरा आवास योजना के तहत 75,000 की राशि मिली थी, जिसे देर रात अज्ञात चोरों ने घर से लूट लिया। बता दें 75,000 नकदी समेत सोने और चांदी के जेवरात भी चोर लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार मौके पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुट गए। यहाँ वही चोरी हुआ है। कितना का क्या क्या? 75,000 रुपया है, 8 भर सोना है और मौके जो पहनने वाला होता है चांदी का। कैसे हुआ पता है कुछ? पता कि हम चले गए थे वहाँ, क्या बोलता है, शादी में। जिला प्रशासन ने भागलपुर के शहरी क्षेत्र में बिना परमिट वाले ऑटो के प्रवेश पर रोक लगा दिया है, जिसके कारण सुल्तानगंज से आने वाले ऑटो को चंपानगर के समीप ही रुकना होगा और वहां से आगे केवल परमिट वाले ऑटो ही जा सकेंगे। वहीं इस निर्देश के बाद सुल्तानगंज से भागलपुर आवागमन करने वाले ऑटो चालकों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित ऑटो चालकों ने महेशी के समीप जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही भागलपुर क्षेत्र से आ रहे ऑटो को महेशी में ही रोक दिया। इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालकों ने बताया कि जब से नया नियम लागू हुआ है तब से सुल्तानगंज के सभी ऑटो को चंपानगर के समीप ही रोक दिया जाता है। वहां पर ना तो पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही कोई सुविधा ऑटो चालकों को दी जा रही है, जिससे कुछ असामाजिक तत्व वहां पर अवैध वसूली करते हैं। साथ ही कहा कि अगर सुल्तानगंज के ऑटो को भागलपुर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा तो भागलपुर क्षेत्र से भी आ रहे ऑटो को सुल्तानगंज में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो चालकों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, जिसके बाद भागलपुर मुख्य मार्ग पर आवागमन सुचारू हो सका। ऑटो इसलिए बंद कर रहा है कि ऊपर से आगे सयाजी चंपानला के आगे पुल के आगे नहीं जाएगा गाड़ी, तो वहीं तक लगाते हैं। वहां तक लगाने के बाद जो है कि वहां न स्टैंड है, न लगने का जगह है, व्यवस्था भी नहीं है। उसके बाद जो है कि वहां जो है कि 8-10 युवक सब वहाँ पर जो है कि पैसा पर जोबड़ी मांगता है, 50 रुपया लो तो 60 रुपया लो तब बैठाएंगे। पार्किंग तो अभी कोई स्टैंड बात ही नहीं हुआ है और रात में जो है कि 2-4 ड्राइवर के साथ जो है कमीशन किया है 50 छीन लिया। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व को लेकर देश भर के गुरुद्वारे में जहां कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं भागलपुर के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से रविवार को गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मीडिया प्रभारी हर्षप्रीत सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि बुधवार को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के कारण रविवार को भागलपुर गुरुद्वारा में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रकाश पर्व को लेकर सिख समुदाय के लोगों में खासा उत्साह का माहौल है। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर गुरुदेव पोद्दार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बता दें समाजशास्त्र विभाग के हेड प्रोफेसर प्रवीण कुमार सिन्हा भी इस माह रिटायर हो जाएंगे। इधर प्रोफेसर गुरुदेव पोद्दार के सेवानिवृत्त होने के पूर्व मंगलवार को BCA विभाग की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर कॉलेज के शिक्षकों ने प्राचार्य के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि वे एक शिक्षक के साथ कुशल प्रशासक का भी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। वहीं गुरुदेव पोद्दार ने कहा कि भले ही वह प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन आजीवन एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देते रहेंगे। इसके पूर्व कॉलेज के BCA विभाग में करियर गाइडलाइंस और जॉब अपॉर्चुनिटी विषय पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। मौके पर BCA समन्वयक प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह समेत कई शिक्षक मौजूद थे। यह प्रभारी प्राचार्य के पद से हम 21 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
लेकिन आप पक्का मानिए कि हम मूल रूप से शिक्षक हैं और शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। हम हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि हमारे मरते दम तक हम आप लोगों को पढ़ाते रहें, आपके आगे आने वाले जनरेशन को पढ़ाते रहें, मेरी केवल यही एक इच्छा है। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में बुधवार को केंद्र के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह और गांधी जी के शहादत दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने 26 जनवरी और 30 जनवरी के कार्यक्रमों के महत्व पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और समारोह की तैयारी का निर्णय लिया। वहीं प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि गणतंत्र दिवस हो या बापू का शहादत दिवस, दोनों का अपना ही विशेष महत्व है और इस मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम देश को सकारात्मक संदेश देते हैं, क्योंकि 20 जनवरी गांधी शांति प्रतिष्ठान और देश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह महत्वपूर्ण दिवस है। आज सिखों के 10वें गुरु, उनके प्रणेता गुरु गोविंद सिंह की भी जयंती है और हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है। इसके साथ साथ ही आज के दिन ही 20 जनवरी को ही महात्मा गांधी के ऊपर बम फेंका गया था और ठीक 10 दिनों के बाद 30 जनवरी को उनकी हत्या हो गई थी। यह दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोराडी प्रखंड क्षेत्र के पेंशनर कार्यालय मुरनहाट में बिहार पेंशन समाज की ओर से आज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मंच की अध्यक्षता कर रहे बिहार पेंशनर समाज भागलपुर के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने सभी पेंशनर साथियों को संगठित होने का निर्देश दिया और पेंशनरों की समस्या पर गंभीर बातें कही। इसी के साथ पेंशनर भवन के निर्माण में अधूरापन को देखते हुए उन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए समाजसेवी डब्लू सिंह उर्फ देवेंद्र भारती का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कोई भी बच्चा असुरक्षित ना हो और सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श को समझ सके, इसको लेकर संवेद संस्था की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अपने दुश्मनों और दोस्तों को पहचानने और किसी प्रकार के लोभ में नहीं आने के बारे में भी बताया जाता है, जिसे पॉक्सो और यौन शोषण की समस्या से बच्चों को बचाया जा सके। वहीं कार्यक्रम को लेकर संयोजक कुमारी वर्षा ने कहा कि समाज में सुरक्षित बचपन सबसे अहम मुद्दा है और जागरूकता के अभाव में बच्चों के साथ कई अनहोनी और बड़ी घटना हो जाती है, जिसे बचाव के लिए संवेद और अहमदाबाद की संस्था पिस एंड इक्वालिटी सेल के सहयोग से बिहार के विभिन्न जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अलग अलग जिले के 300 गांव में सभा और चाइल्ड लाइन की शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीपो डकैती कांड में शामिल 5 अपराधियों को लूट के रुपए और हथियार के साथ SIT ने किया गिरफ्तार, DIG ने दी जानकारी। भागलपुर हजरिया मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने 3 को कुचला, 2 की मौत, 1 घायल। नौगछे 0 माइल में चल रहा ट्रक एसोसिएशन का धरना, प्रशासन ने कराया जबरन समाप्त, आक्रोशित ट्रक मालिकों ने उग्र आंदोलन की कही बात। भागलपुर निगम प्रशासन की लापरवाही फिर आई सामने, पाइप लीकेज के कारण सड़कों पर बह रहा पानी। और मानव श्रृंखला को लेकर राजद ने की बैठक, पूर्व सांसद ने कृषि कानून पर उठाए सवाल। आज के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।